नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर हरियाणा से है। मुख्य सचिव ने की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के पुस्तकालयों में पठन सामग्री का चुनाव ध्यानपूर्वक किया जाए। इसके अलावा पुस्तकालयों के समय को भी बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग कर सकें। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन आज यहां प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के चिन्हित 7 जिलों जिनमें पलवल, फतेहाबाद, मेवात, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर एवं सिरसा के 15 ब्लॉकों की लगभग 35 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की। अनुमति की गई परियोजनाओं में नू ब्लॉक के मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में महिला हॉस्टल, पहवा ब्लॉक में एक सामुदायिक केंद्र एवं 3 डिस्पेंसरियां, 86 स्कूलों में शौचालय, स्वयं सेवा समूहों के कार्य करने के 105 शेड, आंगनवाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी तथा हतिन ब्लॉक में जिम उपकरण एवं मेट शामिल है। इसके अलावा उन्होंने जिला उपायुक्तों को अभिनव परियोजनाओं पर भी कार्य करने के निर्देश दिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो की रिपोर्ट।